हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं सैंड कॉफ़ी, और ये बिहार में पहली बार है। और इसकी लोकेशन की बात किया जाए तो लोकेशन में अभी आप लोगों को बताऊंगा नहीं। और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हैं शारिक भाई, जिनकी शॉप है। और भैया, आप इसका ये आइडिया कहाँ से है आपके पास? ये हम लोग बाहर में बहुत जगह हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग यहाँ पटना में कहीं अवेलेबल कहीं देख रहे थे, हम लोग मिला नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कुछ अपना खुद का स्टार्ट करा जाए, कुछ इस टाइप से कि आज इंट्रोड्यूस किया जाए तुर्किश कॉफ़ी को इस टाइप से। तो इसलिए हम लोगों ने ये अभी स्टार्ट किया है। और इसका लगता है कि बिहार और पटना में यही है? हाँ, अभी तो पटना और बिहार में यही है, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया है। ये आपको माइंड में सेटअप कैसा है कि मतलब ये टर्किश, मतलब ये बहुत जगह देखा हम लोगों ने, पटना में कहीं नहीं मिला, बाहर में बहुत जगह, इंस्टाग्राम रील पे भी बहुत जगह देखा। फिर हम लोग रिसर्च किया क्या है, कैसे बनता है, क्या है। फिर दिल्ली में भी या इधर उधर ट्राई किया, साउथ इंडिया में भी ट्राई किया। तो उसके बाद फिर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सर्च किया था क्या है क्या नहीं है, फिर इंस्टाग्राम रील पर, और उसके बाद फिर हम लोग को मिला था ये। तो फिर सोचा कि चलो ये है, एक अपने हम लोग लगा ही रहते, तो एक एक्सपेंशन हम लोगों ने ये किया कि सैंड कॉफ़ी मिल किया जाए। और इसमें क्या क्या है? इसमें सिंपल कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी जो रोस्टेड कॉफ़ी होती है, जो नॉर्मल कॉफ़ी होती है, उसके बाद फिर चीनी और जैसे नॉर्मल होती है। बस ये इसमें होता ये है कि डायरेक्ट फ्लेम पर जो होता है वो जो कॉफ़ी का कैफीन होता है ना, वो थोड़ा टूट जाता था, टेक्सचर का कैफे टूट जाता है कॉफ़ी का। तो इसलिए हम लोगों ने सैंड पे शुरू से ये प्रोसेस जो होता है ये सैंड पे बनाया जाता है कि कॉफ़ी का जो टेस्ट है वो बना रहे, कॉफ़ी का टेस्ट इसका बना रहे, इसमें कैफीन वगैरह सब बराबर बैलेंस में रहे, इसलिए होता है ये। और भी आपके यहाँ मतलब आइटम वगैरह? हाँ, बहुत सारे हैं। हम लोगों ने फ़िलहाल एक तंदूरी चाय है, सैंड कॉफ़ी किया है, वड़ा पाव है, एक मेयोनीज वाला है, और दूसरी चीज़ सैंडविच हम लोगों ने किया है। सैंडविच में दो तीन चार टाइप का है, तो वो हम लोगों ने। और कुछ कुछ ऐसे प्राइस वगैरह बता दिए सैंड कॉफ़ी का? प्राइस सैंड कॉफ़ी जैसे हम लोग बेचते हैं, बेसिकली हम लोग का प्राइस है वो 20 रुपये का है। उसके बाद चॉकलेट, हाँ, ओनली 20 रुपीज़, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली, बहुत ही सस्ता है भाई, पॉकेट फ्रेंडली रखना ज़रूरी है ना लोगों के लिए। उसके बाद फिर हम लोग आप फ्लेवर में आते हैं, चॉकलेट और कैरमल आता है, वो 30 रुपये का, 30 रुपये का, और स्पेशल हम लोग सब मिला के कुछ स्पेशल होता है वो बना के रखते हैं, वो 35 का आता है। और चाय में है, ये हम लोग का मेन्यू भी है, आप देख, जैसा ये देख रहे हैं मेन्यू, चाय जनरली 15 रुपये से स्टार्ट है हम लोगों की, और फिर 20 रुपये का फुल, और फ्लेवर जो भी होती है 25 से स्टार्ट होती है, 25 का जो भी है, कोई भी फ्लेवर है 25 का है। तो भैया, आपको जो स्टार्टअप है आपका, आइडिया कैसे है कि मतलब इसी तरफ यहाँ पे खोला इस तरफ? एक्चुअल में रिवर्स है, क्योंकि हम लोग मुंबई भी गए, इधर भी गए, बहुत गंगा हम लोगों के नज़दीक में बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी गंगा को हम लोग। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अभी रोड बनाया है, तो मरीन ड्राइव की तरह ये डेवलप कर रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कुछ स्टार्टअप यहाँ से किया जाए, क्राउड बहुत अच्छा है यहाँ पर, है काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ही स्टार्ट किया पहला डालने के। हमारे व्यूवर्स जो है, अभी मैंने लोकेशन बताया नहीं है, थोड़ा उन लोगों को सब्र रखे हैं, तो ज़रा आप थोड़ा अच्छे तरीके से आप लोकेशन बता दीजिए। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, हम लोग गूगल पे भी आ चुके हैं, और ये मीतन घाट के जस्ट बगल में सीता घाट है, मीतन घाट से खाजकला की साइड जाने में, अगर मीतन घाट से या खाजकला से मीतन घाट के इसी बीच में एक सीता घाट है, बस वहीं पर है हम लोग लोकेटेड है। और रही बात कॉफ़ी और चाय, और इधर आप देख सकते हैं शाम में गंगा कदम किनारा हवा खाते हुए, इधर दिखा दीजिए, और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई लोग हैं टी सर्व कर रहे हैं, और भी लोग यहाँ पे आए हैं, तो उनसे हम कुछ बातें कर लेते हैं। नाम क्या हुआ? मोहम्मद शादमान। आपका नाम भाई? एहतशाम। तो आप रेगुलर डेली आते हैं यहाँ पे? डेली नहीं आते, मतलब कुछ टू वीक हुआ ओपन हुआ करीब, हम इधर से काफ़ी आने जाना, तो देखें ओपन हुआ हुए काफ़ी अच्छा लगा कि अब इसने मतलब यहाँ पे सन्नाटा काफ़ी रहता था, लेकिन काफ़ी लोगों का चहल पहले आने जाने हो गया, तो देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि अपने सिटी में भी काफ़ी लोग आने जाने लगे, तो ये सब देख के अच्छा लगता है। आप यहाँ का कौन कौन सा डिश आप टेस्ट कर चुके हैं? हम यहाँ के बहुत सारे कॉफ़ी पिए हैं, और फिर तंदूरी चाय भी यहाँ का काफ़ी टेस्टी है। आप कौन सा भाई पिए यहाँ पर? अभी तो जस्ट आए थे, चॉकलेट वाला पिए हैं, चॉकलेट रोस्ट, अच्छा लगा, कस के बोलें और कैसे। भाई, आप कौन कौन सा यहाँ का डिश और आइटम टेस्ट कर चुके हैं? अभी सैंडविच खाया है मैंने कल, अच्छा था काफ़ी, और तंदूरी चाय भी पिए हैं यहाँ का, चॉकलेट वाला भी पिए हैं, बहुत अच्छा है। तो और भी लोग हैं, और भी लोग से हम फीडबैक। तो गाइस, यहाँ पे एक अंकल जी भी हमें मौजूद हैं, अंकल रहिए, आपका नाम क्या हुआ? बबलू सोनी। और यहाँ आप डेली आते हैं? हाँ बिल्कुल। आप यहाँ का कौन कौन सा आइटम डिश वगैरह आप टेस्ट कर? वो कॉफ़ी। कौन सा कॉफ़ी? कॉफ़ी में प्लेन भी मैंने चेक किया है, और बट सैंड कॉफ़ी है जी। और कॉफ़ी में कैरेमल है, बाकी मैंने अभी तक फ़िलहाल दो ही किया है, इसके आगे अभी तो कुछ किया नहीं है। टेस्ट अच्छा है? बिल्कुल अच्छा, बेहतर है यहाँ पे, इतना बेहतर है कि बट हवा भी ताज़ी ताज़ी मिलेगी और मूड फ्रेश होगा
और ये शाम का गंगा मैया का दर्शन बहुत ही उपयुक्त है। और बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अगर आप लोग कॉफ़ी और जो भी खा के आप यहाँ पे फोटो शूट भी करा सकते हैं। दरअसल यहाँ पे लिखा हुआ आई लव करवा गंगा घाट। यहाँ का टेस्ट बहुत सॉलिड है और आप लोग आइए तो यहाँ ज़रूर ट्राई करिए। और लोकेशन आप तो देख ही लिए, शाम में चाय के साथ और आप ताज़ी ताज़ी हवा, गंगा घाट है। और यहाँ पे ये है सैंड कॉफ़ी, मैं अभी ट्राई करूँगा। सो गाइज़, ये मैं टेस्ट कर रहा था सैंड कॉफ़ी, और ये फेमस ही है सैंड कॉफ़ी के नाम से ये शॉप, और इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। डिफरेंट इसमें टेस्ट है, ऊपर मैं कॉफ़ी पाउडर भी दिया। शारिक भाई, आपका कॉफ़ी और मैंने तंदूरी चाय वगैरह मैंने टेस्ट की, मतलब जो कॉफ़ी है सैंड कॉफ़ी उसका टेस्ट ही एकदम डिफरेंट है। हाँ, इसका टेस्ट वो बताया ना मैंने, जैसे कि आपको बताया कि वो जो डायरेक्ट फ्लेम की जगह हम लोग इसको फ्लेम तोड़ के हम लोग ये सैंड पर डालते हैं, तो इस वजह कर इसमें जो एक अलग टाइप का टेक्सचर होता है वो मतलब बन जाता है इसमें, और कैफीन वगैरह ये सब टूट, कॉफ़ी टूटता नहीं है, डायरेक्ट फ्लेम पे टूट जाता है कॉफ़ी, जो इस पे नहीं टूटता है, इसलिए थोड़ा चेंज होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाइस, आप लोग यहाँ के विज़िट करिए और टेस्ट करिए, और आप लोग भाई को सपोर्ट करिए। और ये लगता है पहले ही है ना, पहले ही है। हाँ, ये अभी हम लोगों ने फर्स्ट स्टॉल खोला, फिर आगे हम लोग एक्सपैंड इसमें कर रहे हैं, कुछ कुछ और नया ला रहे हैं, जो कि अभी कुछ टाइम लगेगा। शारिक भाई, एक बार एड्रेस बता दीजिएगा अपना। ये जो एड्रेस है गंगा रिवर साइड बोलते हैं इसको, ये सीढ़ी सीता घाट है, सीता घाट नाम है इसका, मीतन घाट और खाजकला घाट के बीच में पड़ता है ये। मीतन घाट से ज़्यादा नज़दीक है, मीतन घाट से थोड़ी दूर है, खाजकला से थोड़ा डिस्टेंस होता है। तो शारिक भाई, इजाज़त दीजिए हमको। जी बिल्कुल, और इसी के हिसाब से आती रहिए फिर। और मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं जल्दी प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए कारणों को भी सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।